ईश्वर अम्मा इनका यंत्र मंदिर को इन्हीं रकम ले एंटीटी बहुत अनलोच चेसे एंटीटी दी। ईश्वर अम्मा ने बहुत से लोगों को कई अच्छी बातें सिखाई। प्रशांति निलयम्लो चाला मंदे वच्चेरे वारंता आमे रूम को बोये एंटीटी वारु। प्रशांति निलयम में आए हुए कई भक्त उनके कमरे में जाया करते थे। आम को चिन्ह रूम इच्छिंट ले। स्वामी ने ईश्वरम्मा को एक छोटा कमरा दिया था। लोग वहाँ जाया करते थे। आ रूम लो कुर्चुंटे अंदर आड़वारंता अक्कड़ पोयेदी। महिला भक्त वहाँ एकत्रित होती थी। अम्मा मीरु स्वामी की चेप्पंडी मेमु चाला दिनालु अय्यि वच्चिंदी माकु चेतिलो डब्बु लेदु खर्चु अयिपोतुंडादि मीरु चेप्पि माकु इंटर्व्यूस इप्पिंचंडि अनेदी। भक्त ईश्वरम्मा के पास जाकर प्रार्थना करते थे। माँ हमें यहाँ आए हुए बहुत समय बीत गया है, अब और अधिक समय तक रहने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, कृपया हमें इंटरव्यू देने के लिए स्वामी से कह दीजिए। लेकिन वो एक ही जवाब देती थी। अम्मा स्वामी छूटने के चिन्नवाड़े कानी यव्वर माटा विनडू। अम्मा स्वामी दिखने में भले ही छोटे हैं, लेकिन वे किसी की बात नहीं मानेंगे। प्राप्ति होती में जरी पोत उठा जी तुम्हारी योग्यता के अनुसार ही वे तुम्हें प्रतिफल देंगे। फॉलो चाहिए मैं बोलूं या कोई भी बोले, लेकिन वे मानेंगे नहीं। कनुका स्वामी तत्वाने मेरी इदि गुर्तिंचुकुंटे चालन्ना। तुम्हें स्वामी के दिव्य सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కదాని కొడును అతి సూక్ష్మమైనటువంటి పదాలు చెప్పేటువంటి వో ఉనే ఐసీ గూఢ శిక్షాయే దియా కర్తీ థీ। రెండు మాటలు చెప్పింది। ఉన్నోనే కుచ్ బాతే కహీ। సత్యం నీవు ఇన్నియో గొప్ప పేర్లు పొందినావు। సత్యం తుమ్నే అచ్చా నామ్ ఆర్ ప్రసిద్ధి ప్రాప్త్ కర్ లీ హై। ప్రపంచమంతా నీ దగ్గరికి వస్తుంటున్నారు। పూరా విశ్వ తుమారే పాస్ ఆ రహా హై। కానీ ఆ ప్రపంచమంతా కొడును శాంతి పరచడానికి మీరు సంకల్పించండి। तुम्हें पूरे विश्व में शांति की कामना करनी चाहिए। अपने चेतन तब स्वामी ने कहा प्रपंच में शांति की संकल्प खादू मुझे विश्व शांति के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। यवर शांति निवारे पोंदाली। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वयं की शांति को प्राप्त करना होगा। प्रति मानव शांत स्वरूप प्रत्येक मनुष्य शांति का एक मूर्त रूप है। यवर कुवार को शांति स्वरूप प्रत्येक मानव स्वयं ही शांति स्वरूप है। एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस तुम शांति के मूर्त रूप हो। You are the embodiment of truth. तुम सत्य के मूर्त रूप हो। ट्रूथ नीवे पीस नीवे प्रेम नीवे। तुम सत्य हो, तुम शांति हो, तुम प्रेम हो। नी प्रेम नीव अनुभविंचु। तुम अपने इस प्रेम की अनुभूति करो। नी शांति नीव पोंदु। तुम स्वयं की शांति प्राप्त करो। नी सत्यानि नीव आचरिंचु। तुम सत्य कहने का अभ्यास करो। सत्यं वदा धर्मं चर। सत्य कहो और धर्म यानी सदाचरण का अभ्यास करो। सत्यानि पलकंडी। सत्य कहो धर्मानि आचरिंचंडी और सत्य पर आचरण जो धर्म है उसका अभ्यास करो। ये रेंडु उंटे चालु मनकु। ये दो ही पर्याप्त हैं। सर्वमु मनके लभ्यमैपोतायि। ऐसा करके तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। कनुका अट्टी मातलु आनाटि नुंचि नेटि वरकु कूडानु एंदरो महात्मलु उन्नारु। उन दिनों से लेकर आज तक ऐसी कई महान माताएं हैं। अट्टी मदर संता कूडानु उंडिनटुवंटि देशमे इदि मदरलैंड अन्नारु। केवल तभी जब ऐसी पवित्र माताएं होंगी इसे मातृभूमि कहा जा सकेगा। लेकपोते दीनी फादरलैंड अनचु कदा। क्या तुम इसे पितृभूमि कह सकते हो? अंत मदर्स पवित्रमैनटुवंटि मदर्स अंता पुट्टिनटुवंटि। ऐसा तुम नहीं कहते। यही वह पवित्र भूमि है जहाँ पवित्र माताओं ने जन्म लिया है। कलकली भारत देशार की मदरलैंड अन्नारु। इसलिए इस देश भारत को मातृभूमि कहा जाता है। समस्त लोग